तो एमएस रिकॉर्डिंग ही वर्ड चल का रही है। हमारी सेशन चल रहा था। एमएस वर्ड में हमने लास्ट क्लासेस में आपको क्लिपबोर्ड के बारे में बताया, फॉन्ट के बारे में बताया और पैराग्राफ के बारे में बताया था। पैराग्राफ में हमने आपको ये नंबरिंग सिस्टम नहीं बताया था, बुलेट्स के बारे में नहीं बताया। ठीक है जी सर, सर, जी सर, चलिए अब जी बुलेट्स के सर, बारे में बात करते हैं। जैसे ड्यूरिंग द राइटिंग योर ड्राफ्ट, जब आप ड्राफ्ट लिखते हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ सीक्वेंस माने कुछ लिस्ट देना पड़े, और लिस्ट को आप सीक्वेंसली देना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा और यहाँ पे आप कुछ लिस्ट देना चाहते, जैसे आपने लिखा वन, आपने यहाँ लिखा कि भाई एक्स, तो वन लिख के जैसे टैब मारोगे ये इस तरह से बन जाए, और फिर जैसे आप एंटर करोगे टू जी थ्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर, देख रहे हैं सर, तो जी सर, जी सर, अब हमने क्या किया था, अब फिर आपको नहीं चाहिए तो दो बार एंटर मार दीजिए तो आपका लाइन हट जाएगा। जी हमने क्या सर, किया, जस्ट दो बार एंटर मार दिया। तो एंटर लिखने के लिए किया। सीरियल नंबर लिखने का क्या तरीका है कि आप वन लिखा और डॉट दे दिया, और डॉट देने के बाद स्पेस देंगे या टैब मारें, इस तरह से बन जाए, समझ जी सर, गए। ऐसे में ठीक ए सर, दिया और हमने यहाँ पे किया, तो देखिए अब यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूं मैं, जैसे कि तो ए बी सी डी हो जाएगा, समझे। तो जी आप वन टू थ्री दे भी सकते हैं, वन से भी लिख सकते हैं और आप टू से भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आई लिखा और डॉट दिया और स्पेस किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिना डॉट देंगे तो इसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया सर, जी सर, क्या हुआ, जैसे नहीं कि नहीं अभी ये आपने बताया कि लास्ट आपने वन लिखा, डॉट दिया, स्पेस दिया या टैब दिया, तो आपको इसको लिस्ट समझ के, बुलेट समझ के इसने आगे कर फॉरवर्ड कर दिया। जी सर, और ऐसे में आपने ए लिख के डॉट किया तो इसने ए बुलेट समझ लिया। लेकिन जी सर, अगर आपने यहां पे आई लिखा डॉट दिया तो आई को समझ लेंगे, जी समझ गए। सर, लेकिन अगर ब्रैकेट में जी आई सर, देते हैं तो फिर आपको इसमें डॉट देने की जरूरत नहीं है। जी जरूर, नहीं, ठीक है सर, आई दिया। अब दूसरी बात है कि मैं कोई मैंने इस मैंने मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाया, ठीक है, मैं जी ऐसे लिख सर, दिया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ उदय रवि कवि, रवि हो गया, रवि कविता नीरज मोहन, ठीक है, तो इसके बाद भी इसको सिलेक्ट करके हम बुलेट्स दे सकते हैं। यहाँ इस पे क्लिक किया हुआ, वन टू थ्री जी चाहिए सर, या इसमें कोई और चाहिए, तो करने का मतलब एक तो यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन जी ध्यान सर, जी रखिए सर, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में एंटर प्रेस होना चाहिए तभी वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, तो इसने हर लाइन को नहीं ना दिया, यहां से एंटर प्रेस है तभी इसको इसमें टू लिया हुआ, तो यहाँ ठीक है एंटर जी प्रेस सर, किया हुआ है तो यहाँ थ्री लिया हुआ है, तो जहां ठीक, एंटर प्रेस करेंगे वहीं पे उसको स्विच लेगा, अदरवाइज आगे नहीं लेगा। समझ गए सर, तो जी सर, यहाँ इस चीज का ध्यान आप रखें। दूसरी चीज कि मुझे मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो सही से, मैंने लिखा तो ऐसे लिखा है लेकिन मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया। आपके पास तीन कैटेगरी है, पहला आपके पास एक है कि आपने नंबर दिया, इसमें आप बुलेट्स दे सकते हैं, बुलेट में आप इस तरह से नेक्स्ट, सिंबल दे सकते हो कि ए होना चाहिए, ए ए ए ए ए चाहिए या चाहिए ए चाहिए, ठीक है, या चेंज लिस्ट लेवल,
लेवल में क्या होता है कि होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने एक्सेल दिया, अब इसी के मेरे पास इसके सब कैटेगरी है, जैसे आ देगी ना आपको, हमने क्या किया, जी सर, जी सर। मुझे मुझे क्या है कि एक्सेल के भी मेरे पास तीन कोर्सेज है, तीन चीजें हैं डिफाइन है, मैं इसकी तीन अलग लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है ना, जैसे कि कंट्री हुआ, कंट्री के अंदर सिटी, अब ये हुआ स्टेट, हुआ स्टेट के अंदर सिटी होते हैं, सिटी के अंदर एरिया होता है, उस तरह का लिस्ट बनाना है। मान लीजिए एक्सेल के बारे में चाहिए, तो हमने एंटर मारा, एक बार टैब मारा, तो आप देखिए इसका सब लिस्ट आ गया, जैसे कि हमने बोला सब लिस्ट आ गया डेटा, ठीक है। अब इसके भी आ गया, लेकिन मुझे डेटा के भी एक लिस्ट बनाना है, तो मैं यहाँ भी एक टैब मारूंगा, इस लेवल पे आ गया, टैब मारूंगा यहाँ पे, तो नहीं आया, नहीं लिया, सीक्वेंस नंबर नहीं आया, तो यहाँ आप क्या दे सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लीजिए ठीक है, लेकिन इसके सीक्वेंस नहीं आया, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है जी सर, और मुझे अपना लेवल चेंज करना, यहां दिख रहा, तो अभी जो ये रहा आपका थर्ड लेवल, ठीक है, लेवल चेंज करके फिर मुझे इस पे लिखना पड़ेगा, समझ गया जी सर, ऐसे ही सर। सर एक मिनट, ये लेवल कहाँ से चेंज कर, ऊपर थर्ड लेवल है, यहाँ से, ये मल्टी लेवल है ना सर, हाँ मल्टी लेवल, जी सर, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें आप अपने हिसाब से दे सकते हो, नंबरिंग का है ये, आपका एबीसीडी से वन, यहाँ पे क्या होगा, पहले पहले वाले को वन देगा, दूसरे उस सब लेवल को आपका ए देगा, उसके सब लेवल को फिर वो रोमन नंबर देगा। उसी तरह से आप आइकन पर चाहिए, तो आइकन का सिस्टम ए है, एबीसीडी का सिस्टम ए है, तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम, ये दोगे तो सब नंबर देगा, वन फिर दूसरे का 1.1 1.1 0.1, ये हमने बुक्स में हमेशा देखा होगा कि आपका चैप्टर नंबर वन का पहला टॉपिक, चैप्टर नंबर 1.1 देखा होगा आपने, 1. जी सर, जी सर, ये चीज यहां से डिफाइन, जी सर, ठीक है। तो बुलेट समझ में आ गया आपको, जी सर, बुलेट समझ में, बुलेट सर इसकी सेटिंग आती है इतनी, तो बोल रहे हैं सर बुलेट्स पे एक सेट आती है सर, बुलेट्स पर क्लिक करिए, हाँ बुलेट्स में आपके तीन कैटेगरी है ना, आप दिख रहा है आपको ना, जी सर, ये चेंज लेवल या लिस्ट ऐसा कुछ क्या है, ये नीचे फोन मैं बताता हूँ, सुनिए बताता हूँ, अगर आपके पास सिंगल लिस्ट है, जैसे कि मेरे पास ये रहा सिंगल लिस्ट है ना, जी सर, सिंगल लिस्ट है, तो इसमें आप अगर आपको एबीसीडी नहीं देना है, कोई आइकन देना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, या फिर आप इसमें जाओ तो आप 1 2 3 या रोमन नंबर में या 1 2 3 डॉट में दिख रहा आपको, या एक सिंगल ब्रैकेट के साथ या डबल ब्रैकेट के साथ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, जी सर, बट मेरे पास लिस्ट का लिस्ट है, लिस्ट का लिस्ट है, जी सर, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास कितने लेवल है, जैसे ये देखा है आपका पहला लेवल, इसमें एक्सेल है, वीवीए है, माइक्रो है, पीपीटी है, और है ये हमारा दूसरा लेवल, जैसे वीवीए के पास, वीवीए में मेरा दूसरा लेवल जो है यहाँ पे ए डॉट, हाँ दूसरा लेवल क्या है, मान लीजिए मेरा फंक्शन है, तो ये दूसरा लेवल हो गया, और ये फिर तीसरा लेवल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये डेटा का पार्ट है, ऐसे फंक्शन में क्या है, तो मैंने यहां पे दे दिया तीसरा लेवल, ठीक है आपको, कि फंक्शन के अंदर में हम पढ़ाएंगे आपको वीवीए एफ, ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके पास कितने लेवल है, मेरे पास क्या चौथा लेवल भी है, जैसे कि वीवीएफ के अंदर में हम लूप पढ़ाते हैं,
तो मैं यहाँ पे जी इसको इसको क्या करूंगा कि इसको यहाँ पे देखिए और यहाँ पे हम कर देंगे लूप, ठीक है। अब ये चौथा लेवल आ सर गया ना, तो अभी नहीं दिया इसमें नंबर, दे जी सर दिया ना, क्योंकि तो हमने जो जी सर सिलेक्शन किया हुआ है जी वो थर्ड लेवल तक ही किया हुआ है। जी सर अब मैं यहाँ पे वापस इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे जो फोर्थ लेवल हमारा है क्या है, पहला दूसरा तीन ही लेवल है इसमें, इसमें भी तीन ही लेवल है। जी सर इसमें कई सारे लेवल, ठीक है, ले लिया। जी सर जी सर तो आपकी कितने लेवल है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो चेंज लेवल इस तरह इस्तेमाल करता है, जी सर समझ गए। हाँ सर जी सर सर जहां पे अब फंक्शन के दो लेवल हैं, जैसे एक VBF हो गया और इसके साथ दूसरा, तो उसको क्या करना, कैसे करना है तो दूसरा में यहां पे लिखना है ना आपको, मुझे यहां फंक्शन के पे कर्सर रखो, यहां पे एक लूप के टैप नीचे। मारो, और देखिए इसमें लिखने का दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिए आ गया ना दूसरा लेवल बी आ गया, जी सर तो इसमें लिखने का तरीका ये क्या है पता आपको, लिखने का जी सर तरीका है कि आप पहले जो है इस ऐसे में लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप बीबीए की जगह पे, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक्सेल लिख दी, एक्सेल एफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले आप ठीक है पहला सर लेवल को पूरा करो, समझ रहे, लिखने अगर लिखने में कोई जी कॉम्प्लिकेशन सर नहीं चाहते हो आप, समझे, ऐसे जी सर अगर आप घसपस जी करोगे तो सर लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप इसको प्रॉब्लम सीखना होगी चाहते हो तो पहले आप पहले लेवल को मेन लिखो, सारा ले पहला लेवल, फिर सबके दूसरा लेवल जी लिखो, सर फिर सबके तीसरा लेवल लिखो, फिर सबके चौथा लेवल लिखो, जी सर तो आपको लिखने में सॉल्व होगी, जी सर क्लियर है। तो पैराग्राफ में क्लियर बाकी चीज मैं पढ़ा ही चुका था। अब इसमें हमारे जी सर पास एक आता है ये स्टाइल, स्टाइल के बारे में सीखिए। तो स्टाइल मतलब कि जी आपको सर बने बनाए फॉर्मेट्स, जैसे आप ऐसा लिखा हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो या इस तरह से लिखना चाहते हो या इस तरह से लिखना चाहते हो, तो इसके कई सारे जी सर आपके डिजाइन बने बनाए हैं। अगर आपको इसमें से अच्छा लगता है तो इसको आप चूज कर सकते हो। तो क्विक फॉर्मेट है, क्विक फॉर्मेटिंग आपका कर जी देगा। सर तो स्टाइल के जी बाद सर आगे बढ़ते हैं फाइन, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें से एक सर पर्टिकुलर वर्ड यार को सर एक फाइन करना है, जैसे टाइम को फाइन करना है कि इसमें टाइम है कि नहीं, इसमें टाइम लिखा तो जहां जहां टाइम आपको दिख रहा है वहां वहां आपका होगा, और एंटर मारते आप उसी चीज पे चल जाए। तो टाइम एक बार है इसलिए एक एक बार दिखाएंगे, अगर ज्यादा बार होता तो ज्यादा देखते। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ जी क्लिक, सर अब क्लिक कई बार है तो जितना बार है उसका यहाँ लिस्ट दे जी दिया सर और आपके डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट में वो हाईलाइट कर दिया, समझे। जी सर तो फाइन का काम ये जी होता है सर कि उसको फाइन करता है। अब फाइन करने के साथ, अब फाइन करने के साथ अब क्या है कि पेजेस, तो इसमें रिजल्ट का व्यू दिखेगा कि आपको अलग अलग व्यू है पैराग्राफ वाइज, जहां पे क्लिक है उसकी लाइन आपको दिख जाएगी, ठीक ठीक है है। सर अब ठीक सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए पेज वाइज चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है तो आप बता सकता है कि आपका डेटा कौन पेज पे है, या हेडिंग वाइज तो उसका हेडिंग बताएगा कि हेडिंग क्या जी सर है, राइट। अब बात ठीक आती है रिप्लेस कि मैं क्लिक कर जो है, देखिए कहीं पे सी बड़ा है कहीं पे सी छोटा है, मैं चाहता हूँ जहां जहां क्लिक है वो कैप्स लेटर में होना चाहिए, तो मुझे सबको रिप्लेस करना है। जी तो फाइंड के नीचे आपको यहाँ रिप्लेस होता है, इस रिप्लेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ इसको जिससे क्लिक रिप्लेस करना चाहते हो उसका सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे रिप्लेस ऑल, और यहाँ बताया है कि वी मेड फाइव रिप्लेसमेंट, ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। आप जी सर एक बार यस कर ठीक है सर दोगे तो जितना भी आपका रिप्लेस होगा हो जाएगा, और बता रहा है कितना रिप्लेस किया तो 6 रिप्लेस किया, अब देखिए यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया। अब एक चीज यहाँ पे बात है कि मैं फाइंड पे गया और मैं यहाँ पे फाइंड पे,
और क्लिक फाइल किया तो फिर भी आप यहाँ दिख रहा है आपको, जी सर दिख रहा है ना? मैं चाहता हूँ जी नहीं सर यार छोटा, यहाँ छोटा क्लिक दिखे, मतलब कि बड़ा क्लिक ना दिखे, समझे? जी सर बड़ा जी सर क्लिक ना दिखे, तो मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, रिप्लेस भी क्लिक क्लिक करेंगे तो ये इस पर पॉपअप आता है, इसी में आपको फाइंड होता है, फाइंड पे क्लिक कर लेंगे तो रिप्लेस भी फाइंड आता है। इसमें आपके पास मोर ऑप्शंस होते हैं, इसमें मैच जी केस, सर तो मैच केस हो गया तो क्या होगा मैच कि जहां पे वो क्लिक होगा वही होगा, और मैं छोटा क्लिक लिखूंगा तो फिर वो सर्च नहीं करेगा हमारे लिए, नहीं किया? नहीं किया सर तो इसमें फाइन में भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शन हैं कि फाइन केस आप जी सर सर्च डाउन करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, या ऑल करना चाहते हैं। मतलब डाउन क्या हुआ कि आप छठे पेज से अगर अच्छा सर्च करोगे तो छठे से नीचे दिखेगा, छठे के ऊपर में सर्च नहीं करेगा, अगर जी सर आपने ऊपर किया तो छठे से जी ऊपर करेगा, नीचे नहीं करेगा। ऑल आप करोगे तो नीचे नहीं करेगा तो पूरा पूरी जितने भी ग्राफ मिल होंगे जाएगी ऊपर नीचे सर्च करेगा। फाइन जी सर होल वर्ड, जैसे मान लीजिए कि मैं सीएल करूंगा ना तो सीएल भी हमारा जी सर मैच करेगा, क्या केस हटा देता हूँ, समझे? मतलब जी नहीं, सर अब जैसे मान लीजिए कि सुजीत कुमार हो गया, मैंने मान लीजिए कि रघुनंदन सिंह, नंदन सिंह का हमारा नंदन कर रहे हो तो रघुनंदन भी दिखाएगा, राम नंदन भी दिखाएगा, कृष्ण नंदन भी दिखाएगा। जी सर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ जी सर नंदन हो वो दिखना चाहिए, तो जी यहाँ सर पे फाइंड होल वर्ड ओनली दिखा उसे यूज करेंगे। यूज बिल्ड कार्ड साउंड लाइक इंग्लिश, फाइंड ऑल वर्ड इंग्लिश, मैच प्रीफिक्स, मतलब अभी हुआ क्या कि नंदन है, आप जाते हो कि भाई रघु किसके आगे लगा हुआ है, तो उसमें क्या हो गया कि अभी जैसे सीएल हमने किया तो सीएल जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में हो, वो तो एंड में भी हो सकता है, फर्स्ट जी सर भी हो सकता है, जी सर बीच में भी हो सकता है, क्या? जी सर तो यहाँ पे अगर मैच प्रीफिक्स कर दिया तो पहले वर्ड का पहला ही दो लेटर में इसको मैच करेगा, सफिक्स कर दिया जी तो सर लास्ट में करेगा। लास्ट भी करेगा सेंटर में भी करेगा हाँ, तो ये चीजें जो थी इसमें आपके प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में मैंने आपका होम टैग खत्म कर दिया, आप अपने आंसर्स को प्रैक्टिस सर कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद हम अगली क्लास में इंसर्ट टैग को स्टार्ट करें। सर थोड़ा सा मुझे होम में एक चीज और समझनी है सर क्या होम में सर भाई, ये क्या था? शॉर्ट का ऑप्शन है और जी जी सर शॉर्ट का ऑप्शन है ना सर ये मल्टी शॉर्ट, लेवल के आगे जी सर ये वाला सर हाँ कहाँ पे शो? ए हाँ जी जी सर बोलिए, क्या दिक्कत हो रही है? शॉर्ट इसमें थोड़ा सा सर क्लियर कर देना और इससे अल्फाबेटिक नेक्स्ट वाला शॉर्ट भी कर देता है ना, इसी ये वही ना को सिलेक्ट कर सर लिया ना, अब इसको असेंडिंग मैं और शॉर्ट कर दूंगा, असेंड ठीक है? तो देखिए अल्फाबेटिक ठीक है सर हो गया, मोहन पहले आ गया, फिर नीरज, फिर पहले जी सर एम, फिर एन, फिर आर, फिर यू, जी सर ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है सर ठीक सर इससे नेक्स्ट वाला जो सर ये वाला ए, ये पैराग्राफ मार्क है, जी जी ये सर बताता है कि आपने कहाँ कहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ है, ये पैर जी जी सर ठीक है ना? जैसे सर जहां पे मैंने एंटर प्रेस किया होगा वहां पे ये शो जी सर जस्ट ठीक है देखने सर के लिए होता है, ओके थैंक यू ठीक है? और जी सर कुछ? थैंक यू सर नो सर थैंक यू ठीक है, तो आप बुलेट्स को, स्टाइल को, फाइन एंड रिप्लेस को प्रैक्टिस कर लें, फिर कल की क्लास में हम इंसर्ट के बारे में। जी सर ओके सर थैंक यू सर ओके बाय, सी यू ओके टुमारो। गुड ओके ओके गुड सर गुड नाइट